आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग मरीन्स इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, यह कितने प्रकार का होता है, इंजन को कैसे ठंडा रखते हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। पिछले क्लासों में आपने ऑटोमोबाइल्स इंजन्स के कूलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जिसमें प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम था, ऑर्डिनरी कूलिंग सिस्टम था, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम था, इंपेलर थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम था और एयर कूलिंग सिस्टम था, एयर कूल्ड इंजन्स थे। आज हम लोग मरीन्स, जैसे ही मरीन्स बोलेंगे तो मरीन्स का मतलब होता है समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं, शिप्स चलते हैं, उसके अंदर जो इंजन प्रयोग किया जाता है उन इंजनों को हम लोग मरीन्स इंजन कहते हैं। ठीक है, तो मरीन्स इंजन कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे समुद्री पानी जो होता है अथाह होता है, समुद्र में अथाह जल होती है और जल का नेचर है ठंडा होना, पानी का नेचर है ठंडा होना, तो उस पानी को यूटिलाइज करके इंजन को ठंडा किया जा सकता है। जैसे कि रेडिएटर और फैन के द्वारा हम लोग हीट को एक्सचेंज करते थे, फैन रेडिएटर कोर से हवा खींचती थी और इंजन को या पानी के गर्मी को खींच लेता था, ठीक उसी प्रकार समुद्र के अंदर अगर इंजन को ठंडा करना होगा तो रेडिएटर और फैन लगाने से वहां ठंडा नहीं होगा, क्योंकि इंजन का लोकेशन इंजन रूम के अंदर होता है जो कि सबसे नीचे इंटरनल पार्ट में रहता है। आइए हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स अगर समझेंगे कितने प्रकार का होता है, तो मरीन्स इंजन कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है। ठीक है, कील कूलिंग सिस्टम और दूसरा बी होता है, इसको कहते हैं हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, सबसे पहले हम लोग कील कूलिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। कील कूलिंग सिस्टम आप समझ गए, जहाज के अंदर, शिप के अंदर, तो अगर हम शिप के अंदर इस तरह से इंजन होगा, अगर इंजन लगा हुआ है, ये पिस्टन है ये सिलेंडर के अंदर, और क्योंकि इस भाग में ही हीट होती है और इसके ऊपर हेड्स बने हुए हैं और रॉकर आर्म असेंबली रहेगी। ठीक है, नीचे क्रैंक केस वाला भाग रहेगा। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा फ्लाई व्हील हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के लिए क्या करना होगा, हमको ठंडा करने के लिए अगर यहां पे हीट जनरेट हो रही है इस भाग में, ये हमारा भाग हो गया, इस भाग में अगर हीट जनरेट हो रही है तो पिस्टन ये हो गया, पिस्टन यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको ठंडा करना है, समझ रहे हैं, ये शिप के अंदर रहेगा, अगर इस तरह का बड़ा जहाज है तो जहाज के इंजन रूम के अंदर ये रहेगा, जहाज में ऊपर में रहेंगे व्यवस्था, सारा डेक वगैरह रहेगा, सब कुछ रहेगा, बड़ी सी जहाज होगी और डेक के अंदर ये सब रहेगा, लेकिन इंजन का लोकेशन कहाँ रहेगा, बॉटम पार्ट में, जिसको कहते हैं इंजन रूम, ये वाले भाग जिस कंपार्टमेंट में इंजन रहता है उसको हम लोग कहते हैं इंजन रूम। ऊपर वाला शिप के ऊपरी भाग है वो डेक है और इंजन हमारा सबसे निचले भाग में अवस्थित है जहां पे किसी तरह का हवा का एंट्री नहीं है, क्योंकि ये पानी के चारों तरफ इसमें पानी लगा हुआ है, तो रेडिएटर वगैरह से तो कूलिंग संभव है नहीं। तब इसको कूल करने के लिए ये जो कील कूलिंग सिस्टम है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तब कील कूलिंग सिस्टम होता क्या है, अब कूलिंग सिस्टम का कंस्ट्रक्शन समझते हैं।
कूलिंग सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन टैंक, जिसमें जिसमें प्रेशर कैप लगा रहता है। ठीक है, ये प्रेशर कैप है। क्या है? प्रेशर कैप, जो कि नॉर्मल इंजन में भी रेडिएटर के ऊपर होता था। प्रेशर कैप, इसका कार्य भी समझाएंगे हम लोग प्रेशर कैप वाले भाग में। और इसको कहते हैं एक्सपेंशन टैंक, एक्सपेंशन टैंक। ठीक है, और एक्सपेंशन टैंक से इंजन में कनेक्शन रहता है। इंजन से जो पानी गर्म होकर के निकलती है, ठीक है, गर्म पानी पाइपिंग के द्वारा चला जाता है एक्सपेंशन टैंक में। और दूसरा पानी है, दूसरा जो पार्ट है जहां से पानी निकलती है, ये यहां से चला जाता है यहां पे इस भाग में, जिसको कहते हैं थर्मोस्टेट हाउसिंग, थर्मो स्टेट हाउसिंग। उसमें भी आप लोग देखे थे इंजन के बाद थर्मोस्टेट हाउसिंग लगा रहता था, और वहां से वाटर पंप या रेडिएटर के जो बॉटम वाले टैंक है, लोअर टैंक, उसमें पानी डायरेक्ट चलाता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे थर्मोस्टेट हाउसिंग में चला जाता है पानी। थर्मोस्टेट हाउसिंग से इस भाग में पंप लगा हुआ है, उसमें भी वाटर पंप लगता था, लेकिन उसको हम लोग वाटर पंप कहते थे, क्योंकि यहाँ पे और भी पंप होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रेश वाटर पंप, फ्रेश वाटर पंप। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ है, जो नॉर्मल सिस्टम था सेम उसी सिस्टम से यहाँ पे पानी आउटलेट हुआ, इंजन से चला गया एक्सपेंशन टैंक में। इनिशियली पानी भरने के लिए एक कैप लगा हुआ है जहां से पानी भर सकते हैं इंजन में, पूरा इंजन में पानी भरने के लिए फ्रेश वाटर और कूलेंट मिलाकर के प्रयोग किया जाता था, जो कि कार इंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसके इंजन के अंदर सी वाटर नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि इंजन के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो फेरस मेटल से बने हुए हैं, या उसका जो एलॉय है उसमें कहीं ना कहीं आयरन का प्रयोग किया गया है, कास्ट आयरन हो चाहे कुछ भी हो, आयरन की मात्रा है। और अगर उसके अंदर सी वाटर डालेंगे तो सी वाटर के कारण उसमें कोरोजन पैदा होगा, यानी कि जंग लगने की स्थिति पैदा होगी। जब इंटरनल पार्ट में जंग लग जाएगा, वाटर जैकेट में जंग लग जाएगा, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और इंजन पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाएगा। इसीलिए डायरेक्टली सी वाटर से इंजन को कूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश वाटर है जो कि इंजन में सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अगर पानी इनिशियली ठंडा है, यानी कि इंजन के वर्किंग टेम्परेचर पर नहीं आया है, तो पानी इस तरह से घूम करके यहां आ जाएगा, पुनः इस तरह से सर्कुलेट होते रहेगा। इन केस ऑफ पानी गर्म हो गई तब क्या करते हैं, उस पानी को नीचे किलिंग कॉइल बना हुआ है, इसीलिए इसको किल कूलिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि किलिंग कॉइल है। ठीक है, जो कि इस तरह से बना हुआ रहता है, इस तरह से आएगा। ठीक है, और इधर आकर के चला जाएगा इसमें वाटर पंप में। पानी जैसे ही गर्म होगा, समुद्र के नीचे जो इसका तल है, नीचे जो है नीचे वाला भाग, उससे पाइपलाइन निकला रहेगा, और उस पाइपलाइन से होते हुए पानी जब पाइपलाइन में घूमेगी तो बाहरी संपर्क में सी वाटर रहेगा, ठंडा पानी रहेगा, और अंदर पाइप में गर्म पानी रहेगी। तो पाइप के अंदर जो गर्म पानी है, इसमें गुजरने के दौरान उसकी गर्मी को सी वाटर ले लेगी, यानी समुद्री पानी के अंदर हीट ट्रांसफर हो जाएगा और पुनः ठंडा पानी इंजन के अंदर सर्कुलेट करेगा। समझ गए? इस तरह से जो कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं कील कूलिंग सिस्टम। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम है जो आप समझ रहे थे ऑटोमोबाइल वाले में, सेम उसी तरह का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें रेडिएटर को हटा करके यहाँ पे कील कॉइल लगा दिया गया, ताकि
समुद्री पानी के जो ठंडापन है उसका यूज करके ही फ्रेश वाटर को ठंडा किया जा सके, यानी कि इंजन में जो सर्कुलेट होने वाला कूलेंट है और पानी का मिक्सचर है उसको ठंडा किया जा सके। इस तरह से कील कूलिंग सिस्टम के अंदर इंजन को ठंडा किया जाता है। अब हम लोग हीट एक्सचेंजर कूलिंग सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हीट एक्सचेंजर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? तो हीट एक्सचेंज में क्या होगा, हीट एक्सचेंज में आपको सिस्टम सेम रहेगी लेकिन फ्रेश वाटर और सी वाटर दो तरह, एक किलिंग क्वाइल खत्म हो जाएगी, किलिंग क्वाइल नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डैमेज होने का चांस रहता था। तो इसको हटा करके अब हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम सेकंड वाला। तो हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम में एक और पंप जुड़ जाता है जिसको सी वाटर पंप कहते हैं, सी वाटर पंप। सेम सिस्टम है, अब सी वाटर पंप हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे जो पानी नीचे की तरफ जा रही थी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहां पे सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर लगा देंगे, ठीक है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, और यहां पे एक सी वाटर का प्रयोग करते हैं, इसको क्या है, ये सी वाटर पंप है, सी वाटर पंप। सी वाटर पंप क्या करता है, पंप ये है, इसका इंटेक होता है समुद्री वाटर को लेकर के, यहां पे छोड़ देना, यहां पे जाएगा और यहां से निकल करके पुनः समुद्र में चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। इस भाग को कहते हैं हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। तो अब किलिंग क्वाइल में था, समुद्र में जो क्वाइल बना हुआ था सी के अंदर उससे पानी गुजरती थी जो ठंडा होती थी, अब हीट एक्सचेंजर सिस्टम में एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया इस भाग में और एक सी वाटर प्रयोग किया गया। अब सी वाटर का काम है समुद्र के पानी को खींच करके, और इसमें चार मतलब लाइन बने हुए हैं, सी वाटर इन, सी वाटर आउट, और फ्रेश वाटर इन, फ्रेश वाटर आउट। तो फ्रेश वाटर इन होगा वो अपने क्वाइल के अंदर घूमेगा, इसके अंदर क्वाइल बने हुए हैं, बाहर बाहर घूम जाएगा, और ये जो क्वाइल बने हुए हैं इसका सी वाटर अपना उससे हुआ और निकल गया, सी वाटर अपने सर्कुलेट होते हुए अपने चैम्बर से होते हुए बाहर निकल गया और फ्रेश वाटर अपने चैम्बर से होते हुए बाहर निकल गया, लेकिन इसमें संपर्क में रहा बाहरी भाग में सी वाटर रही, उसके ट्यूब्स के ऊपर सी वाटर रहा, तो सी वाटर इसके गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और उसको समुद्र में एक्सचेंज कर देता है। तो इस सिस्टम को हम लोग हीट एक्सचेंज कूलिंग सिस्टम कहते हैं। आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम है मरीन इंजन के अंदर इसी तरह का सिस्टम प्रयोग किया जाता है, एक इंजन में पानी को सर्कुलेट करने के लिए पंप का प्रयोग किया जाएगा, उसको हम लोग फ्रेश वाटर पंप कहते हैं, और दूसरा सी वाटर पंप जो सी वाटर के द्वारा हीट एक्सचेंजर के अंदर पानी को भेजता है और वह पानी फ्रेश वाटर को ठंडा करते हुए पुनः सी में चला जाता है। अब किसी किसी इंजन में, बड़े इंजनों में फ्रेश वाटर के द्वारा हम लोग ऑयल को कूलिंग करते हैं, ऑयल कूलर का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रेश वाटर पहले ऑयल को कूल करेगा, फिर हीट एक्सचेंजर में जाएगा और वो ठंडा होकर पुनः इंजन में सर्कुलेट होगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिजाइन में डिफरेंसेस आती है, लेकिन अगर मेन रूप से समझें तो इस तरह का ही सिस्टम मरीन इंजन के अंदर प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो या फर्दर क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ गए हों तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।